आलू अभी भी देखें कितना कितना बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बढ़ रहे हैं ना। है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है हमारे आलू कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। बच्चे लोग जो है काम कर रहे हैं, पहले मैंने मिट्टी दी थी, मैंने तुम भी कुछ काम करो, तगारी में मिट्टी सोनी सोनी डाल के आलियों को दी जा रही है ऐसे। हाँ ये पोठे फॉल करने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारा व्लॉग हो चुका स्टार्ट, अभी जो है हम आ गए हैं सब्जियाँ लेके, शाम की सब्जियाँ बनाने के लिए अभी रेडी हो गए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब बहन भाई की दुआ होंगी। तो अभी जो है ये देखें हमारी सब्जी माशाल्लाह आ गई है। तो आज जो है हम बना रहे हैं आलू पालक, वो भी माशाल्लाह सुमैया की फेवरेट चीज़ है। इन्होंने कहा जो हम जो है आज खाते हैं आलू पालक, तो इंशाल्लाह ये बना रहे हैं। इनकी फरमाइश क्या नहीं आपकी है बुशरा सुमैया, आपने कहा आलू पालक बनाए, अच्छा आपकी फेवरेट चीज है। अच्छा जी, अब्बू जान ने टाई बांध ली है आज, क्या नीली नीली नहीं इधर जो है ना नीचे शर्ट पहनी है। अच्छा शर्ट पहनी है सर्दी की वजह से। ये कहाँ से लाया फ्रूट आर, छोटा छोटा 20 के 6 लिया, 20 के 6 इतना इतना। चलो वो तले बर्तन गिरा रही है, देखे बस मीठे तो होते हैं फ्रूट आर, हैं छोटे छोटी छोटी डलियां होंगी, इनको दे दो। चलो ले आओ छुरी, कटाई करो। इधर जो है सब लोग जो है सब्जी काट रहे हैं, और ये देखें पालक जो है हमारी काट चुकी है, आलू हमारे काट चुके हैं, टमाटर हमारे काट चुके हैं, प्याज हमारे काट चुके हैं, अदरक लहसुन आ गई है, और ये पालक के जो छिलके होते हैं वो इधर रख दिए हैं। ये लहसुन है सावा लहसुन, आपने कभी देखा है? नहीं देखा है ना। तो मैं जो है ना आज आलियों को दे रहा हूँ तीसरी बार मिट्टी, आलू जो बड़े बड़े बाढ़ रहे हैं ना उनके नीचे मिट्टी दे रहा हूँ, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कहा आज, मैंने सोचा, मैंने कहा जो आप जो है ना इतना मिट्टी दे रहे हो, आपके आलू माशाल्लाह इतनी बढ़ रहे हैं, कोई रिक्शे वाले से बात कर लो। नहीं नहीं हमारे अपने खाने के लिए थोड़े से हैं, ये तो ऐसे बातें कर रही है, बस बातें ऐसे बातें नहीं करते, थोड़े से हैं जो आप खा सकते हैं, इतनी नहीं खाए जाते। हाँ अभी तो अच्छा कितने आलू लगे आपने देखे हैं जमीन में? तो जब लग जाएंगे, जब लग जाएंगे तो बाद की बात होती है, जब हो जाएंगे, अभी तो सिर्फ सावे पौधे हैं ना, आलू लगे नहीं है ना। हाँ सिर्फ घास का सौदा बना दे, ऊपर काट के दे दें, क्यों नीचे भी हाँ, लग नीचे क्या, अभी छोटे छोटे पौधे हैं माशाल्लाह। ये देखें अभी इनको जो है पहले मिट्टी दी थी, ये देखें ये देखें ये देखें इधर से इधर से इधर से, अब मैं इस साइड से जो है ना मिट्टी की खड्डी लगा के ना इधर से पूरी पूरी मिट्टी कर रहा हूँ इनकी, वो भी नरम नरम ऐसी मिट्टी, कूली कूली प्यारी प्यारी, इसको इतना बराबर कर दूंगा इस साइड के बराबर, थोड़ा सा ये बचेगा, बस ये सारी मिट्टी दे के बाद में जो है ना देखेंगे आलू कैसे नीचे लगते हैं रेत में, इतना इतना आलू लगेंगे मोटे मोटे। इधर जी देखें बच्चे लोग जो है काम कर रहे हैं, पहले मैंने मिट्टी दी थी, मैंने कहा आओ मुझे सही दो, तुम भी कुछ काम करो, तगारी में मिट्टी सोनी सोनी डाल के ना रेत वाली ये वाली, ये जो है इधर आलियों को दी जा रही है ऐसे। हाँ ये पोठे फॉल करने हैं, सही है, क्योंकि इधर मिट्टी मोंड में लगेगी तो आलू लगेंगे इस रेत में, ये रेत वाली मिट्टी है ना ये वाली कूली कूली नरम नरम, ये सारी निकाल के इधर डाल देनी है आलू के ऊपर ऐसे मुंड में, ऊपर से पत्ते के ऊपर मट्टी नहीं आनी, ये ऊपर बढ़ेंगे इसके मुंड में जो है मट्टी आई है बस, सही है। हाँ
आप जो है तगारियाँ उठा उठा के ऐसे डालते जाओ, बिल्कुल सीधा सोना प्लाट बना दो, ऐसे सिर्फ ऊपर आलू नजर आए सिर्फ बस। नहीं नहीं ये रेत है। शाबाश शाबाश शाबाश। बुशरा जो है उधर चारपाई के ऊपर क्या कर रही हो? वो पालक वाले जो छिलके निकाल करके उनको दोबारा काटना शुरू कर दिया आपने? अच्छा अलायदा बनाएगी। अच्छा ये वाला सरसों जो है ना एक फूल निकाल लिया है माशाल्लाह, ये वाला प्यारा प्यारा फूल है ना। चलो उठाओ आधी तगारी उधर डाल दो ना। चलो उठाओ। चलो उठा लो हौली हौली। नीचे आलू है ख्याल से, ऐसे डालते जाओ। हाँ बेहतरीन है जी, वीआईपी माहौल माशाल्लाह। इतना सारी मिट्टी आलू को दे दी है, प्यारी प्यारी मिट्टी, ऊपर से थोड़ी थोड़ी कुंबलियाँ इनकी बचा के रख दी है, बाकी सारी नरम नरम मिट्टी दे दी है। अभी जो है सुमैया भी आ गई है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो उधर सालन भी रेडी हो रहा है क्या? चलो तो माशाल्लाह चूल्हे में आग जला दिया और घी भी हमारा गरम हो चुका है ये देखें। तो अभी जो है मैं मसाले ऐड करती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाना था अभी वो भी नहीं बनाया, ये देखें। ये जो है डाल दिया है अभी, ये थोड़ी देर के लिए भिरौन होएगा, बाद में इंशाल्लाह अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो माशाल्लाह अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अभी वो मसाले हमारे ये देखें भिरौन हो रहे हैं, तो ये भी माशाल्लाह फूट के डालेंगे। हाँ जी तो माशाल्लाह मसाले हमारे जो है ना अदरक और प्याज और सब्ज लहसुन वो जो है भिरौन हो चुका है। अभी जो है मैं अदरक डाल रही हूँ ये देखें। अच्छे तरीके से मैश करके बाद में जो है टमाटर ऐड करूंगी। हरी मिर्च तो नहीं आनी ना, हरी मिर्च तो ले आ इशरत। तो माशाल्लाह प्याज हमारे अच्छे खासे भिरौन हो चुके हैं, तो मैं जो है हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये जो ऐड कर दिया है, अभी थोड़े सी जो है ना लाल मिर्च भी ऐड करती है, वो भी कर देते हैं। लाल मिर्च भी ऐड कर दिया है और जो है ना नमक ऐड करते हैं। नमक भी ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो है ना इसको भिरौन करते हैं। भिरौन करके बाद में जो है पालक ऐड करेंगे। चूल्हा प्रेसो तो माशाल्लाह मिसाले हमारे जो अच्छे खासे भिरौन हो चुके हैं, तो मैं जो है पालक धो के डाल रही हूँ ये देखें। अभी भी इसके अंदर पानी है। ये धोया है ना, अभी भी पानी है, सब्ज वाला पानी है जैसे पालक सब्ज हरी हरी। तो माशाल्लाह ये देखें आलू जो है हमारे माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना खान साहब इनको तीसरी बार मिट्टी दे रहा है। हाँ जी बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कहा मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। हाँ जी हम रुक जाते हैं। हाँ महबूब खान जो है ये देखें इतनी बड़ा नीचे खड्डा लगा रहा है और मिट्टी निकाल रहा है, तो खान साहब जो है मिट्टी दे रहा है, क्योंकि ये जो है ना रेती वाली मिट्टी है बहुत अच्छी खूबसूरत। तो इनको जो है ना देते हैं और जितना मिट्टी देना माशाल्लाह ये जल्दी बढ़ जाते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी काम जो है आलू का मुकम्मल कर लिया है, मिट्टी वगैरह जो देनी थी वो भी दे दी है।
तो अभी आपसे शेयर करता हूँ, आपने देखना है कि कैसी मिट्टी दी है मैंने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसे मिट्टी दी जाती है कि और तरीके से दी जाती है। इधर जो है रुखसाना ने जो है ना पता नहीं क्या चढ़ा है, घड़बा लगा के बैठी है इधर। घड़बा नजर आता है आपको? मुझे तो घड़बा लगा नजर आता है। इसमें पालक भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, हर शेय एक दफा डाल दिया। पालक का है, मैंने डाला। अच्छा हाँ जी, पालक का पानी है ना, वो पालक जो है ना पानी निकालती है, कितना जितना पीती है उतना निकालती है। एक किलो पानी निकाल लिया इसने? एक किलो पानी निकाल लिया है। अच्छा हाँ जी, आलू डाला है अभी जी गलने के लिए। मिट्टी जो है मैंने डाली है आलू को, ये है मेरे आलू ये वाले, तो इसको आप गौर से देखें कितना सी मैंने मिट्टी नई डाल दी है सारे। अच्छा खड्डा लगा हुआ है उधर से मिट्टी उठा के ना इधर डाल दिया। बहुत अच्छा किया है आपने, क्योंकि आलू जो है आपके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह पाक नजरबाज़ से बचाए। प्यारे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ये आलू भी उठाएं। कड्डा उठा मैंने जड़ा में दी पार लग सी। अच्छा हां, और मैं तो कह दिया तो आलू तो चैसन इन प्यारे प्यारे मैंने मिट्टी दी है, पता है कितना मिट्टी दिया, तकरीबन एक फुट के करीब मिट्टी डाल दिया, एक फुट के करीब। देख सकते हैं ये जो ताल है ना, ये वाला ये नरी वाला जो ताल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मिट्टी देखे कितनी डाल दिया मैंने। और अयूब खान, महबूब खान और अरीशा और सुमैया मेरा साथ दिया है, तो मैं इधर मिट्टी डालता रहा, वो तगारी उसे बुशरा भी थी। आपको पता नहीं है बुशरा बुला दिया है? आप भी थी? हाँ। अच्छा बुशरा साथ दिया है, तो सब ने इकट्ठे मिल के हमने इसको मिट्टी दी है। अब देखे हमारे आलू की मिट्टी इधर से लेके ना इधर तक दे दी है। और नहीं डालनी पत्ते इनके जो ना ऊपर से बंद नहीं करने, फिर इन्होंने बढ़ना भी है। अभी तो इसकी जो ऊपर फफूंदी होती है वो निकली हुई है ना। हाँ ये ऊपर बढ़ेंगे और इसकी इतना इतना डंडी जो है ना बढ़ेगी, बाद में मिट्टी देनी है। आपने माखी लहा रही हो क्या, धुआं मजा के बैठी हो? हाँ जी। अच्छा माखी आ रही है, मैंने कहा चलो भाग ले माखी, धुआं मचा के बैठ गई हो। लकड़ी गिली है, जल्दी भी नहीं, मैं क्या करूँ। उधर देखो आपकी जो मिट्टी पक्की है ना वो सारी खिलार के वो खराब कर रही है। नहीं ऐसे नहीं करना, इसको जो है ना रख दो, फिर सुबह जो है ना चोल बनानी है। हाँ इसको धूप पे रखेंगे ये सूख जाएगी, फिर इसको कूटेंगे, पानी डालेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, फिर चूल्हा बनाएंगे। हाँ हाँ हाल ही में रख दो, मिट्टी में हाथ नहीं लगाना आप, बस ठंड हो रही है। आप जर्सी पहनो, आपका कोट सूखा है पता नहीं क्यों सूखा, अभी लगता है मुझे पानी खड़ा है आपके कोट में। बाकी छोटे वाले कपड़े जो होते ना वो सूख चुके हैं, जर्सियां वगैरह नहीं सूखी, नहीं सूखती, वो दो दिन तीन दिन लग जाते हैं उनको सुखाने के लिए। ऐसे हाँ वो मोटी होती है। अभी देखें जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना, पतले जो होते हैं ना तो वो सूखते हैं, और जर्सियां वगैरह जो होती है ना कोट होते हैं वो नहीं सूखते। अभी देखें दीवार के ऊपर खड़ी है वो गिली है अभी। ये वाली तो मैंने दिखाई थी लेकिन अभी तक वो गिली लग रही है, वो अभी भी गिली है। हाँ सुबह सूखेंगे, अभी भी सूखेंगे। सुबह कैसे सूखेंगे, रात में शबनम होती है, कल वाला दिन गुजार के सूखेंगे। हाँ दिन अच्छा करे सही है, धूप निकलेगी तो सूखेंगे, सूखेंगे रात ही जाए। इसको ऐसे भी रख देंगे क्योंकि ऊपर फिर ना शबनम आ जाए, आ जाए तो इसको ऐसे भी अंदर रख देंगे, फिर सुबह जो होगी बाद में इसको डालेंगे। ठीक हो गया पे। हाँ जी, महबूब खान भूल गए हैं मैंने इधर मिट्टी डालनी थी, चलो कभी और दिन डालेंगे। ये जगह मैंने बनाई थी ये जगह, तो ये जो है ना इधर मिट्टी डालनी थी, चलो खैर कल डालेंगे। क्या दूं पैसे, क्या करोगी, आज शाम होने वाली है, सूरज भी गरूब होने वाला है। वो आपके लिए आटे का थाल ले आई है, वो बना रही है रोटी, तुम रोटी खाया करो। ये 20 रुपए मेरी जेब में बचे हुए हैं, जाके इकट्ठे ले लो, 10-10 नहीं लेने, 5-5 लेने हैं। क्या कह रही है? वो कहती है अबू जान उधर भी दुकान है पड़ी। देख लिया आपने? हाँ। किधर दुकान है? इधर बुलंदे वाली है पड़ी। वो सामने वाली? हाँ।
हाँ उधर तो है, बरामदे वाली है। अच्छा इतनी दूर ये जाती हैं, तो कमेंट करते हैं बहन भाई आप अपने बच्चों का ख्याल रखा करो। हाँ ये सब छोटे हैं ना, बड़ा कोई नहीं है ना। ये सामने ए, इस गली में जो ना हमारा जो घर है तो ये घर जो है ना, ये सामना घर जो नजर आ ना इधर दुकान है, आगे दुकान है ये उसकी ए, ये वाली पिछली साइड है बंद है, वो घर से ले आते हैं ना। वो भाई का कमाने गया है ना, वो उधर मिल में काम करता है उधर सिंध में, तो इसीलिए चलें। खैर उनका अपना मसला है, मजदूरी तो मेहनत है, मेहनत करते हैं बच्चों को तो खिलाना है, महंगाई का दौर है। चलें लकड़ी लेने गया है ताहिर खान और यकूब खान, सूखी लकड़ी चलो ले आए। ये वाली हमारी लकड़ी जो हमने ली है ना, ये हमें काम देगी मेरे ख्याल में सर्दियों के बाद। हाँ जी। क्योंकि ये काफी दिन लगा देती है सूखने में, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, धूप अच्छी खासी निकल नहीं रही, इस वजह से आग भी नहीं जलती। तो मैंने कहा चलो आधा मन परसों वाले दिन लिया था, वो दो तीन दिन का मुश्किल से हुआ है, तो आज मैंने कहा आधा मन ले आओ फिर मिक्स करके बालेंगे। कुछ इधर एक लकड़ी जो बच्ची रखी थी ना, और साथ में वो भी अड़ा दिया इनसे उठा के, तो अभी जा रही है, पहले देखा ना धुआं लगा रही थी। कितना है ये? ये आधा मन पूरा। कितने का दिया? ये 400 का। 800 रुपए मन सूखी लकड़ी जो हमने देखो कितने की ली थी, तो ये 800 रुपए मन मिल रही है। चलें जी आपकी लकड़ी आ गई है, आप तो है ना पूरा गंढा उठा के ना जल्दी जल्दी सालन बनाओ। यक्का नहीं, इधर से जो सूखी सूखी आपको नजर आ है ये तो सूखी ले आए हैं ना। चलो सही है। आलू अभी भी देखें कितना कितना बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बढ़ रहे हैं ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है हमारे आलू कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान पाक फौज सब बहन भाई अल्लाह हाफिज़।